लोकसभा चुनाव 2024 सीएम ने जिस जीरकपुर जाके विधायक मिलनी की है तो पवन कुमार चीनू के नाल भी विशेष गलबात की गई है। उन्हें कहा है कि आप वक्त सहूलतों लैके वधिया काम कर रही है। पवन कुमार टीनू भी इस वक्त हमारे साथ हैं जो श्रोमणी अकाली दल छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और आम आदमी पार्टी ने इनको जालंधर से मैदान में उतारा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीनू साहब। क्या ऐसा रहा जिसने आपका मन बदला कि श्रोमणी अकाली दल को छोड़ के आम आदमी पार्टी में गए? बहुत सारे कारण हैं। आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है, 90% लोगों का बिजली का बिल जीरो आ रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में MRI CT स्कैन बहुत वाजिब दामों पे हो रही है, किसानों के लिए जो स्कीमें वो चल रही हैं मुफ्त बिजली मिल रही है, नहरी पानी के किसान के खेत तक पहुंच रहा है, स्कूल ऑफ एमिनेंस बन रहे हैं, बढ़िया स्कूल बन रहे हैं जो कॉन्वेंट पब्लिक स्कूलों का मुकाबला करेंगे, गांव का विकास हो रहा है और भी है। ईमानदार गवर्नमेंट है, कम से कम चुने हुए लोग तो बेईमानी नहीं कर रहे। अगर नीचे कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है तो ये लोग दूर कर सकते हैं। अगर चुने हुए लोग ही लालची हों, दोनों हाथ से लूटेंगे तो नीचे तो फिर सारा ही काम खराब हो जाएगा। आपको आपने जैसे ये सभी कारण गिनवाए जिनसे आप प्रभावित हुए आम आदमी पार्टी में, तो आपको क्या लगता है कि इससे पंजाब के लोग भी प्रभावित होंगे और 13-0 का जो लक्ष्य रखा है आम आदमी पार्टी ने वो पूरा होगा? देखिए 2022 में प्रभावित हुए, 2022 में इनके बहादुर वॉलंटियर्स ने इतना काम किया और पता भी नहीं चला दूसरी पार्टी, और 92 सीट जीत के आए। आम घरों के परिवारों के मेंबर हैं वो, मैं मिला हूँ सबसे, सबकी एज 40 से नीचे है जो काम कर रहे हैं। दूसरी पार्टियों में 40 के अराउंड वर्कर नहीं मिलता, यंग वर्कर ही नहीं उनके पास। सो ये फर्क है क्योंकि यूथ में, नौजवानों में काम करने की इच्छा शक्ति एनर्जी ज्यादा होती है। जालंधर से आपको मैदान में उतारा है आम आदमी पार्टी ने, क्या सुशील कुमार रिंकू को कोई चुनौती आप मानते हैं वहां पर? देखिए सुशील कुमार रिंकू जी अभी चुनाव जीते हैं, लोगों ने उनको बहुत उम्मीद से जिताया था बड़े मार्जिन से, लेकिन वो जालंधर का काम करने से पहले ही चले गए। ऐसा नहीं करना चाहिए था, जब उनको जिम्मेवारी मिली थी तो उनको निभा के जालंधर शहर के सारे काम निपटाने चाहिए थे। भागने का नुकसान होगा उनको? पूरा नुकसान होगा, क्योंकि लोग वोट डालते हैं तो एक उम्मीद से डालते हैं, लोगों की उम्मीद तोड़ी है उन्होंने, काम नहीं किया। बहुत शुक्रिया पवन कुमार टीनू, जिनको जालंधर से आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो ये भी दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से श्रोमणी अकाली दल में रहते हुए इन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार के काम देखे और उससे प्रभावित हुए, उससे लोग भी प्रभावित होंगे और आम आदमी पार्टी अपने लक्ष्य 13-0 को हासिल